ज्यादा दिखाना, मैं ही हूँ क्योंकि इंस्टा पे जो डाल रहे हो मेरे इंस्टा पे कर लो ना, इंस्टा खोल लो अभी मैं कर दे लाइक कर दे। काफी अच्छा माहौल चल रहा है यहाँ पे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का दिन हमारा सागर में चालू हुआ है। अभी स्टेशन पर ही है और बस मुँह वूद हो गए, तैयार हुए हैं, बैग वैग टांग के अभी निकलते हैं यहाँ से, फिर आपको बताता हूँ क्या करना देखता हूँ। अभी तो यहाँ से चलते हैं स्टेशन पर। फिर यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम रुके चार्जिंग करने के लिए। पीछे चार्जिंग पोर्ट लगा है, बहुत बड़ा है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये चार्जिंग पोर्ट है सागर स्टेशन पर। यहाँ पे एक साथ बहुत सारे मोबाइल चार्ज हो जाते हैं। मैंने अपना दूसरा मोबाइल लगाया है, वो चार्ज हो रहा है अभी, ऊपर रखा है, घंटे के करीब हमें उसको चार्ज करेंगे फिर यहाँ से निकलते हैं। हिमांशु का मोबाइल भी लगाए नीचे, मतलब अच्छी सुविधा अच्छी है यहाँ पे वाली चार्जिंग वाली। बाकी स्टेशन तो नॉर्मली है, ग्वालियर से तो बहुत छोटा है। मोबाइल चार्ज हो चुका है और हम यहाँ से निकल चुके हैं, थोड़ा और काम रह गया है उसको निपटाएंगे और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी जाएंगे ना, जो कुछ भी काम है वो निपटाएंगे। अभी तो खैर खुली नहीं होगी, 9 बज रहे हैं, 11 बजे की समथिंग यूनिवर्सिटी खुलती है तो तब जाएंगे। और बीच में हमें एक फ्रेंड भी मिल गए, वो भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो वो भी साथ में हमने ले लिए, उनको भी साथ में लेके चलेंगे और फिर मिलते हैं धीरे धीरे, देखते हैं क्या होता है। पता तो है नहीं क्या होने वाला है, नया शहर है, नई जगह है, जो देखते हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट कैसा है हमारा और कैसा बिहेव करते हैं। क्या है कि बाबा, हर व्यक्ति आपकी तरह अच्छा नहीं मिलता ना। अभी हम क्या ऑटो में बैठे हैं और यहाँ से निकल रहे हैं। ये तो कुछ क्या बेवकूफ बनाते हैं, पहले ही पास में हुआ था ये, अरे बहुत दूर है यार, हम आपसे 10 रुपए लेंगे ज्यादा तो क्या हो जाएगा। सही है सही है, ये सोच हर किसी की नहीं होती। बोलिए ऑटो में जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। 9:30 बज गए और बाजार में रुकेंगे, थोड़ा खाएंगे पियेंगे, अंकल बता रहे थे नाश्ता मिलेगा, ठीक है 11 बजे तो खुलती है यूनिवर्सिटी में, आता हूँ आपको होगा। और ये अंकल मिल गए अच्छे से, उन्होंने सब कुछ बता दिया। अभी ऑटो तो हमने इस ऑटो में आए थे निकल गए और अब कुछ खाने पीने के लिए देख रहे हैं, पर्दे थे यहाँ पे एसी की बड़ी की, और मतलब खाने के लिए देख रहे हैं। और ये यहाँ पे पुआ बन रहे हैं हमारे, पुआ दो प्लेट लगवाए हैं और ये समोसे वगैरह भी हैं, पर अभी क्या तबीयत ख़राब चल रही है तो ये सब नहीं खा सकते, पुआ हुआ खा रहे हैं, ठीक है। और पेट भरने के लिए हमने थोड़ा पुआ हुआ ले लिया है, वो देखो कैसा किया इधर, ऐसा देते हैं पुआ, मतलब ये देखो दिया एक चम्मच दे दिए चम्मच। और हमारे यहाँ थोड़ा अच्छे से प्लेट प्लेट में देते हैं, यहाँ पे ऐसे दे दिया है, काम चला लेंगे। और समोसा वमोसा इसलिए नहीं खाया क्योंकि मेरी तो तबीयत खराब चल रही है और वो ठीक भी नहीं है, ज़्यादा ऑयली रहते हैं, हल्का भोजन है, इससे क्या पेट भर जाएगा, बाकी बात है खाने के बाद मिलते हैं। और कोई वो तो मैंने तो खा ली है, और एक फल लिया था ये पता नहीं मतलब अजीब सा है, बोल मैं बोल रहा सीधा फल, वो बोल रहा चीता फल, ये बोलता चीता फल है, खा के देखो बढ़िया लगता है। तो चलो खाते देखते हैं, अच्छा लगा खाने के, खा के देखा तो ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगा, ठीक है बस अच्छा है। ये चीता फल है, चीता फल, चीता फल क्या ये पीछे लगा के रखा है इसने पूरा अच्छा है। अभी हम बैठे हैं एक छोटे टमटम में, ऑटो कहते हैं छोटे में, मेट्रो कहते हैं, उसमें जा रहे हैं, ऑटो चेंज कर रही है थोड़ी देर रुक के, और देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। सब्जी तो पहुँच गए और अब मैं अपने डिपार्टमेंट में जा रहा हूँ सोशियोलॉजी में, और उसमें जाके फिर हिस्ट्री वाले डिपार्टमेंट में जाएंगे और हिंदी वाले डिपार्टमेंट में। तो पहले मैं अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेता हूँ, फिर उसके बाद मानसूर कराएंगे। अभी आधा घंटा है खुलने में,
साढ़े दस बजे 11 बजे यूनिवर्सिटी चालू होगी, तो अभी डिपार्टमेंट पहुँच रहे हैं। यहाँ पे कल्चर फेस्ट की तैयारी चल रही है और पूरे एंजॉय चल रहा है। ये हमारा डिपार्टमेंट है, यहाँ पे बैठे हैं। कॉलेज में आर्ट एंड फंक्शन वगैरह की तैयारी हो रही है। भाई कैसा गाना लगा दिया? मैंने नहीं लगाया, दोबारा लगा दिया। वो फेविकोल ब्रश से लगा रहे थे। सारा आर्ट एंड क्राफ्ट चल रहा है यहाँ पे, अच्छा वाला पूरा। और ये भैया हैं पूजे वाले, थोड़ा इंस्टा पे कर लो ना, इंस्टा खोल लो कर दे। काफी अच्छा माहौल चल रहा है यहाँ पे। थोड़ा हंसी मजाक चल रहा है। तो पहले तो स्टूडेंट को हम क्रेडिट देते हैं कि उनकी जिंदगी में इतना बड़ा अचीवमेंट आप लोग ने किए हो, तो क्रेडिट गोस टू यू। तो इसलिए हम ताली मार रहे हैं। ज्यादा बोलने से पहले मैंने तो सीन ऐसा है कि अभी हो रही है शाम और मैं हो गया बहुत परेशान। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए, पूरा कैंपस 2-3 बार घूम लिया और मतलब एक फंक्शन भी अटेंड किया, 2-3 बार मिठाई भी खाई। अभी हॉस्टल देखने आए थे बहुत दूर पे, मतलब भगा दौड़ी हो गई। पहले हिंदी वाले डिपार्टमेंट में गए एक बार, फिर हिस्ट्री वाले में गए, फिर सोशोलॉजी वाले में गए, एक बार नैनो टेक्नोलॉजी वाले में भी चले गए, ठीक है। फिर वहाँ से फिर हॉस्टल आए, तो मतलब भगा दौड़ी बहुत ज्यादा हो गई। और सुबह से थक गए, सुबह तो हम सोए नहीं थे ढंग से, 8 बजे गए थे। और अभी आज तो खाना भी नहीं खाया। अभी हॉस्टल के लिए फॉर्म जमा करके अब जा रहे हैं बाजार, वहाँ पे थोड़ा खाना वाना खाएंगे, कुछ खाएंगे, फिर उसके बाद स्टेशन जाएंगे सीधा। स्टेशन के बाद पहुंच के ट्रेन देखेंगे, जो ट्रेन होगी पहले उससे सीधे घर निकलेंगे। अभी थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। और कैंपस काफ़ी बड़ा है यार, और एडमिशन तो हो गया, वेरिफिकेशन भी हो गया पूरा, अब तो आना बाकी है खाली। और उसके बाद क्लासेस अटेंड करनी है बस। और ये अभी मैं कैंपस में ही चल रहा हूँ, हॉस्टल से कैंपस की तरफ जा रहे हैं, बस वगैरह भी चल रही है। देखो पीछे बस निकल गई। और कैंपस काफ़ी बड़ा है, हॉस्टल काफ़ी अच्छा भी है, वो तो बाद में आपको पूरा दिखा देंगे जब आएंगे। और काफ़ी बड़ा है कैंपस, हरियाली वरियाली बहुत है यहाँ पे, बहुत है मतलब बहुत है, अच्छी खासी है। तो अभी बस निकल रहे हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अभी आएंगे होटल में खाना खाने, और अभी खाना तैयार हो रहा है, घर के लिए निकल गए हैं। और अभी ट्रेन आ रही है, फिर उससे घर के लिए निकल जाएंगे, फिर घर पर पहुंच के देखते हैं क्या करते हैं। तो फाइनली घर आ चुके हैं और मैं तो जा रहा हूँ सोने, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। और आपसे मिलता हूँ मैं अगले ब्लॉग में। ओके, टाटा बाय, गुड नाइट।